माय न्यू ब्लॉग और मैं हूँ आपकी सुधा। फ्रेंड्स, आज 23 सितंबर है और गुड़गांव में आज बारिश का दूसरा दिन है। तो आप लोग देखिए, मैं मंदिर गई थी, आज प्रदोष है 23 सितंबर और आप देख सकते हैं मैं छतरी तो लेके गई थी क्योंकि बारिश का मौसम हो रहा है तो मुझे पता था बारिश तो हो सकती है। और देखिए मैं कितना भीग गई हूँ, छतरी थी ऊपर तो सूखा है बट नीचे सारा भीग चुकी हूँ मैं। और आप देख सकते हैं कितना बारिश हो रही है और अंधेरे एकदम अंधेरा छाया हुआ है। ये देखिए बाहर का सीन, कितनी बारिश हो रही है। और ऐसे में ही अभी मैं मंदिर से आई हूँ, छाता लेके आई थी, तो देखिए आप कितनी बारिश हो रही है। फ्रेंड, आप देख सकते हैं मैं पूरी तरह से भीग चुकी हूँ। अब मैं चेंज करके आती हूँ, फिर मैं कुछ नाश्ता वगैरह करूँगी क्योंकि देखिए सुबह हस्बैंड की तो ड्यूटी थी, बच्चों के स्कूल कैंसिल हो चुके हैं, गवर्नमेंट के ऑर्डर आ चुके हैं बारिश की वजह से कि स्कूल, अभी बच्चों के एग्ज़ाम थे तो एग्ज़ाम पोस्टपोन हो गया है, तो आज बच्चे भी घर पे ही हैं। और मैं अभी मंदिर से आई हूँ, 10 बज रहा है, अब कुछ खाऊंगी, चाय पीऊँगी और मैं प्रदोष का व्रत नहीं रखती बट मंदिर जाती हूँ। तो फिर आज छुट्टी भी थी तो चले गए, लेकिन बहुत अच्छा लगा है गाइस, बारिश में मजे आ रहे हैं। फाइनली देखिए मैंने कपड़े चेंज कर लिए हैं। और फ्रेंड्स, मेरे कान में ना, मैं गोल्ड के टॉप्स थे तो उनका जो है पेज खराब हो गए हैं तो मैंने अभी रख दिए हैं। और मैंने आर्टिफिशियल के छोटे छोटे से बाली सी पहनी थी तो उनसे मेरे कान ना दर्द होने लग गए, तो इसलिए मैंने 2-3 दिन से कुछ कान में डाला नहीं था। फिर मैंने कहा अभी अच्छा नहीं लग रहा है तो मैंने ये आर्टिफिशियल ईयरिंग्स हैं तो मैंने अभी डाल लिए हैं। और फ्रेंड्स, मुझे बहुत तेज भूख लग रही है तो दिव्यांशु मेरे लिए चाय बना रहा है। और मैं ना सुबह मैंने आलू की सब्जी बनाई थी, आलू और मेथी की सब्जी बनाई थी, मेथी सूखी मेथी आती है ना पैकेट वाली, वो डाल के रोटी बनाई थी। और कचौड़ी मैंने कल बनाई थी रात को क्योंकि बारिश का मौसम था तो सबका मन था कचौड़ी बनाने का, तो एक रखी हुई थी तो मैंने ले ली है। और अब मैं पहले तो खाना खाऊंगी, मुझे बहुत भूख लगी है क्योंकि 10:30 बजने वाले हैं। और दिव्यांशु, आप देख सकते हैं मेरे लिए किचन में चाय बना रहा है। देखो गाइस, दिव्यांशु चाय बनाने में लगा है, यहाँ पे अदरक कूट रहा है और ये पानी चढ़ा रखा है, अब ये चाय बनाएगा मम्मी के लिए, बना दे जल्दी से। ये देखिए रिशु का मैथ का एग्जाम है तो रिशु पढ़ाई कर रहा है। हेलो बोलो। हेलो गाइस। और ये क्या, दिव्यांशु ने देखिए मेरे लिए चाय बनाई थी तो अपने भैया को चाय देने आया है। मम्मी लो आपकी चाय। हाँ दो। ये देखिए फ्रेंड्स, दिव्यांशु ने मुझे चाय बना के दे दी है। दिव्यांशु चाय बना लेता है और कुछ नहीं बना पाता है। बहुत कुछ बना लेता हूँ। चाय पी के दिव्यांशु फिर पढ़ाई करना है। और पता है दिव्यांशु ने, रिशु ने, सबने सुबह चाय पी थी, फिर भी ना मतलब अब मैंने अपने लिए चाय बनवाई तो इन लोगों ने भी मतलब चाय दोबारा पीने बैठे हैं क्योंकि बारिश का मौसम है तो फिर मैंने भी नहीं मना किया, बट बच्चों को चाय नहीं पीना चाहिए ना, भूख नहीं लगती है फिर। और मैंने तो सुबह से चाय पी नहीं थी क्योंकि मुझे मंदिर जाना था, तो फिर अभी अब चाय पियेंगे हम बैठ के। और देखिए मैंने खा तो लिया ही है क्योंकि इन लोगों को तो मैंने सुबह पराठे बना दिए थे तो इन लोगों ने नाश्ता कर लिया था, सब नहा धो चुके थे, सारा काम हो चुका था और 10 बजे मैं मंदिर से आके फिर मैंने भी खाया है, चाय पी है, अब चाय पीऊँगी। और फ्रेंड्स, उसके बाद देखिए रिशु तो पढ़ रहा है, दिव्यांशु ऐसे पढ़ता नहीं है, इसको तो मैं बैठूँगी पढ़ाऊँगी तब ये पढ़ेगा। और ये देखो चाय और बिस्किट इंजॉय कर रहे हैं बाबूजी, ये देख सकते हैं आप। ये देखिए संस्कृत के कितने चैप्टर हो गए थे आप? 3 याद है? एक बार रिवीजन कर लो, उसके बाद मैं सुनूंगी फिर लिखने के लिए दे दूंगी। ठीक है। ठीक है फ्रेंड, दिव्यांशु अपने आप नहीं पढ़ता है, अगर मैं इसको ऐसे अकेले छोड़ दूं ना तो ये बिल्कुल भी नहीं पढ़ेगा। अब ये जितनी देर पढ़ाई करेगा, याद करेगा, मुझे इसके पास बैठना पड़ता है, तो अब मैं इसको पढ़ाऊंगी। और फ्रेंड्स, मैंने ना सुबह हेयर वॉश किए थे तो बाल मेरे ना गीले हो रहे हैं, इसलिए मैंने अभी अपने हेयर खोल के रखे हुए हैं कि थोड़ा सूख जाएंगे, वैसे बारिश का मौसम है इसलिए बाल जल्दी सूख नहीं रहे हैं। और मेरे पास हेयर ड्रायर तो है नहीं कि मैं ड्रायर कर लूं,
तो इसलिए मैं ऐसे पंखे में बैठी हूँ। वैसे तो ठंड लग रही है फ्रेंड्स, पंखा चलाना भी आज मतलब जरूरत नहीं है पंखा चलाने की, ठंड लग रही है। लेकिन मेरे बाल गीले थे इस वजह से चला रखा है। अभी दिव्यांशु ये सब लोग पढ़ेंगे, फिर दोपहर में देखती हूँ कुछ खाने का मन होगा इनका तो बनाएंगे, नहीं तो कुछ स्नैक्स वगैरह खा लेंगे। तो फ्रेंड दिव्यांशु के संस्कृत के एग्जाम की मैंने तैयारी करवा दी है, और फिर मैंने सुबह देखो सूखी सब्जी बनाई थी, फिर मैंने आलू गाजर की रसीली सब्जी बनाई है जूस वाली, और अब हम लोग दोपहर में 2 बज रहे हैं, अब हम लोग खाना खाएंगे। तो आप देख सकते हैं कि हमने ये प्लेट्स लगा दी हैं, और ये रिशु दिव्यांशु बैठे हैं, और ये मेरी थाली लगी हुई है, और हम भी बैठ के खाएंगे यहाँ पे। अभी देख सकते हैं बारिश थोड़ा कम हुई है, मौसम थोड़ा सा साफ लग रहा है, लेकिन कोई भरोसा नहीं है, फिर बारिश हो सकती है। और देखिए आप, मेरा ना श्रृंग एकदम बर्तनों से भरा हुआ है, और ये दिव्या रिशु देखो प्लेट कहाँ लग गया है। तो अभी तो मैं बर्तन वगैरह कुछ नहीं धुलूंगी। तो फ्रेंड 4 बजे दिव्यांशु को ट्यूशन भेज दिया है। जैसा कि आप लोगों ने देखा, दोपहर में हम लोग आराम कर रहे थे, तब मौसम अच्छा था, थोड़ा खुल गया था, बारिश कम हो गई थी, और हम लोग दोपहर में सो गए थे। फिर आँख ज़्यादा देर लग गई, 4 बजे उठे, फटाफट दिव्यांशु को ट्यूशन भेजा। उसका ट्यूशन का टाइम होता है 4 बजे का, सो के उठा था, मना कर रहा था, मैंने कहा थोड़ा 10 मिनट लेट चले जाना। फिर दिव्यांशु ट्यूशन गया है, और अभी मैं चाय बनाऊँगी। और आप देख सकते हैं बाहर में मौसम इतना ख़राब हो रहा है, और जैसे ही दिव्यांशु ट्यूशन गया है ना, इतना तेज़ बारिश आई। दिव्यांशु का ट्यूशन ज़्यादा दूर नहीं है, यहीं पास में ही जाता है, अगर ज़्यादा बारिश होगी तो फिर मैं अम्ब्रेला लेके जाऊंगी उसको लेने, और अभी तो वो चला गया था। लेकिन मौसम इतना ख़राब हो रहा है, आपको दिखाती हूँ, एकदम अंधेरा छा रहा है बाहर, देखिए ये देखिए, ये देख सकते हैं आप, इधर इधर का देख सकते हैं। फ्रेंड जैसा कि आप लोगों को पता है कि यहाँ पे 2 दिन से रात दिन बारिश हो रही है, तो ऐसी बारिश में ना मेरे यहाँ पर सब्जियाँ भी ख़त्म हो चुकी हैं, और अब वैसे तो मैं ले आती, लेकिन बारिश में मैं कहाँ जाऊँ सब्जी लेने। और फ्रेंड्स ये मैं शाम के खाने की तैयारी कर रही हूँ, तो एक टमाटर पड़ा हुआ था, तो वो डाल के मैंने दाल, आप देख सकते हैं मैंने दाल चढ़ा दी है, और क्योंकि देखिए प्याज भी नहीं था, अगर मैं वैसी दाल बनाती अलग से फ्राई करती तो टमाटर प्याज बाद में डालती, अब मैं इस दाल को जीरे से फ्राई करूँगी, तो मैंने टमाटर दाल बनाते में ही डाल दिया है, ताकि अच्छी तरह से मिक्स हो जाएंगे उसमें। और ये आप देख सकते हैं एक तरफ मैं आलू की भुजिया फ्राई कर रही हूँ, क्योंकि मेरे यहाँ पे ना दाल के साथ में कुछ ना कुछ सब्जी ज़रूर होना चाहिए, ऐसे कोई नहीं खाता है सिंपल दाल चावल रोटी, कोई नहीं खाता है, एक सब्जी ज़रूर होनी चाहिए चाहे कोई भी सब्जी हो। इसमें मैं थोड़े मसाले वसाले डाल के और ऐसे खुला फ्राई करूँगी इसको, और बहुत अच्छी लगती है दाल के साथ में ये भुजिया। और अभी ना फ्रेंड्स देखिए बारिश में दिव्यांशु के पापा भी लेट हो जाते हैं आने में, तो अब वो आएंगे कब सब्जी लाएंगे, मैं कब बनाती, और बच्चों को भूख लग रही थी, आप देख सकते हैं बच्चे उधर पीछे रूम में एंजॉय कर रहे हैं। और ये मैंने अपने इलेक्ट्रॉनिक कुकर में चावल भी चढ़ा दिए हैं, ताकि एक साथ जल्दी भी हो जाएगा, और रोटी सुबह की कुछ रखी हुई है, तो 1-2 रोटी ले लेंगे और दाल चावल भुजिया उससे ही खा लेंगे। तो शाम को ही ज़्यादातर चावल वगैरह बनाती हूँ मैं, क्योंकि सुबह तो सब स्कूल चले जाते हैं बच्चे, ये ड्यूटी चले जाते हैं। तो फ्रेंड रात के 10:30 बज चुके हैं, और पानी बंद होने का नाम ना ही ले रहो, और भाई देखो हमारे आँखों में डार्क सर्कल है, तो हम लगाओ भाई रोवीरा, और अब आज का ब्लॉग हम यहीं पर ख़त्म कर रही है ने, तो तुम लोग सो जाओ, हम लोग सो जाएँ, और गुड नाइट, बाय बाय।